दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने यूरोप के इम्पोर्टेंट देश ऑस्ट्रिया का दौरा किया, जो कि 40 साल बाद किसी इंडियन पीएम द्वारा की गई है। और मोदी जी तो जब से पावर में आए हैं तब से 78 देशों का दौरा कर चुके हैं। इसी वजह से उनका काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि भाई ये तो फ्लाइट मोड के पीएम है, ये तो घूमते ही रहते हैं। तो क्या इन दौरों से इंडिया को कुछ फायदा होता भी है या सिर्फ ये एक फोटो ऑप्स है मोदी जी के लिए? इससे आम आदमी को क्या फायदा होता है या सिर्फ ये एक विदेश नीति का छोटा सा पहलू है, इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। दरअसल जब से पीएम मोदी भारत के पीएम बने हैं तब से वो विदेश नीति को एक स्पेशल फोकस दे दिया है, और इसी वजह से उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण देशों का दौरा किया जहां या तो कोई भी भारतीय पीएम ना गया हो या फिर उस देश में भारत के पीएम को गए हुए 40 साल हो गए हो। जी हाँ, ये सच्चाई है, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण देश हैं जहां 40 से 50 साल से कोई भी पीएम नहीं गया, जबकि इन देशों ने कई मायनों में भारत को जरूरत के समय मदद करी थी। तो चलिए जानते हैं ऐसे अनसुने तथ्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ये यूरोप की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये मध्य यूरोप में 8 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। बताइए इतने स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड देशों में भारत के पीएम को 40 साल लग गए। यही सवाल अगर राहुल और कांग्रेस से पूछे तो वो मौन व्रत रख लेते हैं। अरे भाई, ऑस्ट्रिया का एक पड़ोसी देश इटली भी है, कम से कम ये तो देख लिया होता। खैर, अब बात करते हैं इस विजिट से भारत को क्या फायदा होगा। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के सभी देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, और इसी वजह से ऑस्ट्रिया के लिए रशियन मार्केट का एक्सेस बंद हो गया। जहां वो पहले सामान भेजते थे वो रास्ता अब बंद हो गया, और इससे ऑस्ट्रिया की इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। लेकिन अब पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया को भारत की इकोनॉमी का एक्सेस दे दिया है, और बदले में भारत के बिजनेसमैन को ऑस्ट्रियन मार्केट का एक्सेस मिला है। 2023 में दोनों देशों के व्यापार लगभग $3 बिलियन का रहा, जिससे अब इन समझौतों के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और एक नई दिशा मिलेगी स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को। और ये दिखाता है यूरोप की इकोनॉमी में भारत का बढ़ता रोल। डिफेंस की बात करें तो ऑस्ट्रिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में चीन के खिलाफ भारत को समर्थन दिया है, और इसके साथ ही कॉनकॉप्टर 100 UAV भारत को देना, जो पाकिस्तान और चीन पे नजर रखने में काफी फायदेमंद रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट देश है इजराइल। जी हाँ, वही इजराइल जो आजादी के बाद से भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। फिर चाहे पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाना हो, 1971 और कारगिल युद्ध में इंटेलिजेंस के साथ साथ हथियार भी प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2017 से पहले भारत के किसी भी पीएम ने इस देश का दौरा तक नहीं किया, और पीएम मोदी 2017 में भारत के पहले पीएम बने इजराइल का दौरा करने वाले। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक आउटरीच नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगा, वहाँ आतंकवादियों के ऊपर जो बॉम्ब यूज किए गए थे वो इजरायली स्पाइस बॉम्ब था। यही नहीं, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप साइन करी थी, जिनका उपयोग सेना आए दिन कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ करती है। यही नहीं, इनोवेशन के मामले में इजराइल काफी आगे है। आप शायद सुन के हैरान हो जाएंगे कि USB पेन ड्राइव हम यूज करते हैं उसका आविष्कार इजराइल में ही हुआ। इसलिए भारत ने इजराइल के साथ मिलके $40 बिलियन का फंड तैयार किया, जो दोनों देशों में बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल लेवल पे रिसर्च और डेवलपमेंट को। कांग्रेस के टाइम अरब देशों से डर कर यहां कोई पीएम गया ही नहीं। बताइए, जो देश हमारा मुश्किल वक्त पे साथ दे रहा था उसे ही इग्नोर कर दिया गया। तीसरा है UAE, यानी भारत का पड़ोसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पीएम मोदी 2015 में गए थे, और यहां भी भारत के पीएम 34 साल बाद जाता है, जबकि ये भारत का एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है, और यहां काफी तादाद में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो UAE की कुल आबादी का 40% है। यही पीएम मोदी की खूबी है, जहां वो एक तरफ इजराइल के साथ हाथ मिलाते हैं, वहीं उसकी कट्टर दुश्मन अरब देश से भी अच्छे रिश्ते रखते हैं, और UAE के साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखना भारत के लिए काफी कारगर रहा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो तब UAE ने हमेशा भारत का साथ दिया, और धारा 370 हटने के बाद भी UAE के किंग ने भारत के फैसले को सही बताया, और यहां तक कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला देश बना जिसने वहां काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी। वहां की कंपनी EMAR ने लगभग $60 मिलियन इन्वेस्ट किया। चौथा, कनाडा।
जहां 42 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, जहां कुल पॉपुलेशन का 2% से भी ज्यादा सिख डिस्पोरा रिप्रेजेंट करता है। इतना इम्पोर्टेंट देश को विपक्ष ने बिल्कुल ही नकार दिया था, जहां लास्ट पीएम विजिट 1973 में इंदिरा गांधी का हुआ था। मुद्दे की बात यह है कि पीएम मोदी ने 2015 में हुए इस दौरे में यूरेनियम की सप्लाई को लेकर समझौते हुए, यानी कि यूरेनियम फ्यूल का काम करेगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, जिससे काफी कम प्राइस में बिजली का उत्पाद हो सकेगा और अब सबके घर अनलिमिटेड बिजली सप्लाई पहुंचेगी। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही कनाडा भी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी में चीन के विरुद्ध भारत का समर्थन करता है। पांचवा, मंगोलिया। दो बड़ी शक्तियों रशिया और चाइना के बीच सैंडविच ये कंट्री भारत के लिए इम्पोर्टेंस तो बहुत रखती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीएम मोदी से पहले यहाँ भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया, जबकि चाणक्य नीति के हिसाब से दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। चीन ने मंगोलिया की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिससे वो इनर मंगोलिया बुलाता है। तो जब पीएम मोदी यहाँ जाते हैं तो मंगोलिया को एक सहारा और सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है कि चीन के खिलाफ वो अकेला नहीं है, भारत भी उसके साथ खड़ा है। यही नहीं, बल्कि जब पीएम मोदी ने 2015 में यहाँ का दौरा किया था, तब भारत ने $1 बिलियन का लोन दिया था ताकि मंगोलिया में डेवलपमेंट हो पाए। मंगोलिया के साथ अच्छे रिश्ते सेंट्रल एशिया में भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा, जिससे चीन को काउंटर करने में आसानी होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी की विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक। विदेश दौरे सिर्फ फोटो ऑप्स नहीं, बल्कि भारत को दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए करे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अनटोल्ड स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें निष्कर्ष टीवी को।